तो गाइस अभी मनाली में नाश्ता करके हम निकल चुके हैं अडिम्बा मंदिर की तरफ, जो वहीं से बस स्टैंड से राइट साइड से रोड सीधा गया है ये, जिससे मैं चल रहा हूँ, और नीचे बर्फ भी है, पैर भी काफ़ी। तो गाइज अभी अडिम्बा मंदिर पहुंचने ही वाले हैं, अभी हम रास्ते में हैं, और जबकि लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल लिए पहाड़ी पे, एंड अभी थोड़ा सा दूर और बचा, आगे दिखाते हैं आपको मंदिर अडिम्बा का। ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, पिघल भी रही है, लेकिन नीचे देख कर चलना पड़ा क्योंकि पैर जहाँ बहुत ज़्यादा फिसल रहा है यहाँ पे ना, और इन दिनों में टूरिस्ट भी बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे साइड में बर्फ। कसम से गाइस बर्फ़ ऐसी है, अगर एक बार बंदा फिसल जाए तो सीधे नीचे जा कर रुकेगा, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे पैर जमा के चल रहा हूँ, क्योंकि बर्फ़ में बहुत ज़्यादा चिकनी और फिसलन भी है। ये है अपना अडिम्बा रास्ता। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अडिम्बा मंदिर, जो कि है मेरे सामने, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रास्ता, एंड कसम से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के हम आए हैं ऊपर, और ये रहा मेरे पीछे अडिम्बा मंदिर। देखिए इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, बहुत ही ज़्यादा, पीछे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ही ज़्यादा। और गाइस इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन तो वैसे ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और बर्फ बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गई है यहाँ।
डिब्बा मंदिर के साथ में है ये, पता नहीं कौन सी पार्क है, नाम तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन टिकट ले लिया इसका और जा रहे हैं अपने इस पार्क में। पार्क नहीं वैसे, जंगल ही है, लेकिन इन्होंने कमाई करने के लिए एकदम पार्क जैसा एरिया बना दिया है बिल्कुल। और यह है पौड़ी, इस पर भी है अभी बर्फ़ जमी हुई, इसके ऊपर जा रहे हैं पहाड़ के और ऊपर। यह है पार्क और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यहाँ पर ठंड भी बहुत कड़ाके की पड़ रही है एकदम ज़बरदस्त, एंड व्यू भी यहाँ का एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे कर रहे हैं बर्फ में अभी मस्ती थोड़ी सी, एंड भाई अभी गया है हमारा ऊपर, आएगा इससे फिसल के नीचे को, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई, मैं भी फिसला। यहाँ से पार्क में पहुँचने वाले हैं नीचे अडिम्बा मंदिर, वहाँ से जाएंगे बस स्टैंड, वहाँ से पकड़ेंगे कुल्लू के लिए बस।
तो गाइज बहुत ही ज़्यादा फोटोग्राफी करी एंड सीकिंग लोकल वाली सीकिंग करी जो पैर से करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो मनाली की इस बर्फबारी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, कभी आओ तो देखना। यहाँ पे अडिम्बा मंदिर के सामने जो पार्क है, उस वाली पार्क में घूमते घूमते, खैर हम तो गए थक क्योंकि बहुत ज़्यादा फन किया हमने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड टूरिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा हैं। दोस्त बने रहिए हमारे साथ, ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं कुल्लू में।